अकॉर्डिंगली, सही है। अब देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रोटेशन विद वेक्टर मेथड, सही है। सबसे पहले तो मैं आपको वेक्टर को लेना सिखा दूँ। नंबर वन आप ये लिखा हुआ है कि 2, 4, ठीक है, 2 और 4 दोनों क्या पॉजिटिव है, मुझे एक वेक्टर पी क्यू बनाना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, टू यूनिट्स टू द राइट ऑफ पी एंड 4 units अप, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब 2 और -4 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 2 units टू द राइट ऑफ पी एंड 4 units डाउन, ठीक है। इसी तरीके से पी क्यू लिखा हुआ है 2 units टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड 4 units अप, सही है। अब आगे चलते हैं, नंबर ये हो गया नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर 3, नंबर 4। अब देखें नंबर फोर में क्या हो जाएगा, मैंने ले लिया 2 -2 and -4 और ये क्या है, पी क्यू है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टू यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड 4 units डाउन, सही। अब बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, ये चीज है। अब मुझे इसके थ्रू जो है ना, मुझे ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट करनी है। फिर मैंने आपको एक और चीज ये बताई थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिर्फ 2 तरह की डायरेक्शन है, कि अगर इफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, अगर मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या होगा, सही है। पहले तो वेक्टर के थ्रू आप क्या निकालेंगे, थ्रू वेक्टर, ठीक है, हम एक मैट्रिक्स या कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर मैट्रिक्स और कोऑर्डिनेट, सही है, और फिर उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, ठीक है, राइट। स्वैप करने के बाद अब, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज द साइन ऑफ वन। अब समझ में आई बात है, ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा, राइट। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल इफ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, अब अगर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है तो अब क्या होगा, सही है, फिर वही नंबर वन क्या है, थ्रू वेक्टर मैट्रिक्स थ्रू वेक्टर मेक अ मैट्रिक्स या कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट बनाए, सही है। नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, स्वैप करें, राइट, और लास्ट में चेंज द साइन ऑफ एक्स, इज इट क्लियर, ठीक है, चेंज द साइन ऑफ एक्स। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, 180 डिग्री की रोटेशन, हाँ मायरा याद है, 180 डिग्री की रोटेशन पे क्या बताया था, इफ 180 डिग्री दोनों की साइन चेंज हो जाती है और स्वैप भी तो होते हैं, हाँ मतलब पहले स्वैप होते फिर दोनों की साइन चेंज, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, वो ऐसे आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल पहले स्वैप हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, साइन चेंज, राइट। अब आ जाए इसी चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस निकाले, ठीक है, सबसे पहला मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकाल लूँ, ठीक है, फिर मैं आपको उसके क्वेश्चंस को बताता हूँ कि किस तरह से होगा। देखिए वो ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं,
इसको थोड़ा सा और बड़ा करो ताकि इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाए। ठीक है मायरा, अब क्लियर आ रहे हैं नजर? जी भाई, हेलो जी, ये नजर आ रहा है? हाँ। अब देखें, पहला पार्ट को तो छोड़ दें, हम बात कर रहे हैं किसकी, रोटेशन की ना। तो देखें रोटेशन का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल ई बाय अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट 42, ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल ई ऑन द डायग्राम। सबसे पहले तो मैं काम क्या करूँ कि इसके ऊपर ये बताइए कि 42 मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। 42 ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ, सही है ना। अब मैं आपको एक, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें बताई नहीं है, अगर मैं आपको कुछ चीज़ें पहले से भी बता दूं कि हमें ये हमारा कौन सा केस चल रहा है, ये हमारा केस है केस नंबर 1। ठीक है, और उस केस नंबर 1 में हमारे पास क्या क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ रोटेशन गिवन है, ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन कैपिटल आर, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन। इज इट क्लियर? मेरा रिक्वायर्ड क्या है, मेरा रिक्वायर्ड है इमेज, मुझे क्या मालूम करना था, मुझे इमेज चाहिए, सही है। अब आइए इधर इसी क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आए, तो मैं अब आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल ई, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल ई। तो बेटा ट्राइंगल ए आपका ऑब्जेक्ट है, ट्राइंगल ई आपकी क्या इमेज है, राइट? 90 डिग्री का आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया। क्लॉक वाइज क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। 42 क्या हो गया, सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। तो ये सब चीज़ें अगर मैं आपको लिख दूं, आर कितना गिवन है 42, उसको मैंने सबसे पहले क्लियर किया। डायरेक्शन कितनी है 90 डिग्री, सही है। एंगल कितना है 90 डिग्री है, डायरेक्शन क्या है क्लॉक वाइज, ठीक है ये। और हमें मालूम क्या करना है, ट्राइंगल ई फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने तो यहाँ पर क्या ले लिया, मैंने यहाँ पर ये ले लिया कि भाई जो है वो क्या चीज़ें हैं, एक मिनट में थोड़ा सा और इसको क्लियर करूँ, ठीक है। अच्छा जी, देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या ले लिया, पॉइंट मेरा कितना गिवन है 42, मैंने सेंटर ऑफ रोटेशन क्लियर करता हूँ। तो अब इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे आएगा, ये आ जाएगा 42, सही है 42 आ गया। अब उसके बाद मैट्रिक्स या कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको 1 का नाम दिया है तो मुझे एक बात ये बताइए, ये जो 1 वेक्टर है ये बना कैसे, मुझे बता सकती हैं ये कैसे बना? ऐसे आया 1 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ 1 and 1 unit up, सही है। तो पहले के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1, -1, 1। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ये दोबारा बताओ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने क्या निकाले बेटा, मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकाले हैं -1 और 1। जी ये बात समझ में आई या नहीं आई? जी मायरा बता दें, आर से देखना है। जी बेटा आर से देखना है, आर से देखना, ठीक है। अब देखें, अब फिर दोबारा मैंने क्या किया, एक बहुत ही ये आर से मुझे अब इस 2 के वेक्टर चाहिए। अब ये 2 वेक्टर मेरे पास कैसे मिला, ऐसे मिला कि मैं पहले यहाँ से यहाँ गया, यानी कि 2 units टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड 1 unit अप, सही है। ये तो मेरे 1 के हो गए, और 2 के क्या हो जाएंगे, 2 units टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड 1 unit। यहाँ तक क्लियर, ये चीज़ समझ में आई, ओके। उसके बाद ये मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट है। अब अगर मुझे इस थर्ड कोऑर्डिनेट को निकालना है तो बेटा मेरा वेक्टर क्या होगा, ऐसे बनेगा, ये मेरा वेक्टर। अब ये वेक्टर मेरा बन कैसे रहा है, ये वेक्टर मेरा ऐसे बना कि मैंने 1, 2 units टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड
वन टू थ्री और थ्री यूनिट्स अप, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू और थ्री। अब बात समझ में आए या नहीं है? मैंने ये तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद मैंने आपसे क्या बताया था, अब आप ये चीज़ें नोट कीजिएगा। मैंने कहा कि 90 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन बताई थी कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पहले मैट्रिक्स या कोऑर्डिनेट बना लिए, उसके बाद इसको स्वैप कर दें। स्वैप करने के बाद स्वैप करने का मतलब क्या होता है, वन एंड माइनस वन, ठीक है, वन और माइनस टू, थ्री और माइनस टू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि लास्ट में हमारे पास क्या था कि चेंज द साइन ऑफ वाई। अब क्योंकि वाई के साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ पर वाई क्या है जी बेटा, यहाँ पर वाई क्या है, सब पॉजिटिव हो, सॉरी सब पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा वन वन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वन टू हो जाएगा, वन टू, ये कितना हो जाएगा, थ्री टू हो गया, सही है। अब अगर मैं बेटा अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ड्रॉ ये मेरा, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, वन 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 वन, दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, वन टू, सॉरी वन टू, क्या हो गया, कुछ नहीं, वन टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, थ्री टू, थ्री टू, सही है। अब आप देखें, अब आप मैं इसको जो है ना ड्रॉ करूंगा, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ठीक है। अब आप जरा जाइए और इसके कोऑर्डिनेट चेक कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है, सही है, अच्छा, क्या क्या कोऑर्डिनेट आ रहे हैं जरा सा मुझे बताएंगे आप, इसके वन वन, वन टू एंड थ्री टू, सही है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, आंसर बिल्कुल 100% जो होगा। चलो मैडम, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप खुद से चेक करिए और मुझे बताइए क्या आंसर। ये नवंबर 04 पेपर वन क्वेश्चन नंबर 25, ये कौन सा ईयर है, ये ईयर है नवंबर 04 पेपर टू, सॉरी पेपर वन क्वेश्चन नंबर 25, ये लिखा हुआ दिया हमारा नवंबर 04 पेपर वन क्वेश्चन नंबर 25। चलो जल्दी से चेक कीजिए आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा,
I'm taking a lesson video. Third color time. हाँ आयरा चेक किए हाँ गलत आ रहा है गलत आ रहा है गलत क्या आ रहा है यार मैं वही तो देखा पीछे क्या पॉइंट्स आ रहे हैं पीछे के क्या पॉइंट्स आ रहे हैं टू कॉमा वन फिर टू कॉमा वन और फिर थ्री और माइनस कॉमा माइनस पीछे के आंसर क्या है टू कॉमा वन आ रहा है फिर इसमें टू कॉमा वन आ रहा है इसमें दिया हुआ था और थ्री कॉमा माइनस थ्री आप मार्किंग स्कीम से आंसर चेक कर रहे हैं हाँ 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 क्या आ रहा है दोबारा बोलो तो आप किससे चेक कर रहे हैं टू कॉमा वन पार्ट सी है ना पार्ट सी थोड़ी है यार पार्ट ई है पार्ट डी है पार्ट डी है फिर भी गलत है तो और गलत है गलत हो यार पार्ट फाइव कॉमा थ्री यार माया ये आंसर चीज पे जरा सा यार मेथड तो मेरा यही है यार एक मिनट देख लेता हूं मैं एक मिनट चाहिए अगर कोई गलती होगी तो मैं भी क्लियर कर लेता हूं हां हां 2 मिनट ओके मैं तो हो मायरा एक चीज की गलती है सही है आइए बेटा सही मायरा हेलो ठीक है देखें बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही हुआ है अब ये जो बने हैं ना वन 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 टू और थ्री टू इनको भी हमने वेक्टर के थ्रू ही लिखना सही है अब देखें वेक्टर के थ्रू कैसे लिखा वन 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 का मतलब आपके पास क्या वन यूनिट टू द राइट ऑफ ए एंड वन यूनिट अप ये पहला आ गया फिर वन यूनिट टू द राइट ऑफ One units to the right of A and two units up. ये इधर आ गया. फिर three units to the right of A. One, two, three and two units up. ये इधर आ गया. सही है. अब ये चीज समझ में आई या नहीं आई? वो हमसे जो गलती हो गई थी वो क्लियर हो गई. हो गई बेटा. तो ये भी R से लिख रहे हैं. हाँ, ये भी आप वेक्टर से लिखेंगे. सही है. अब बात समझ में आई या नहीं आई? जी बेटा. क्लियर हुई या नहीं हुई अगर नहीं है तो मुझे बता दे मैं अभी क्लियर कर दूं ठीक है तो अब आप मुझे बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या बने इसके कोऑर्डिनेट बन गए पहला कोऑर्डिनेट क्या बना न्यू कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे ट्राइंगल ई के वो आ गए 5.3 सही है 5.4 एंड
7, 4। जी मायरा, क्लियर आएगा या नहीं है? बात क्लियर होगा या नहीं होगा? जी बेटा बता दें, सही है, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, पक्का? हाँ भाई, अगर कहें तो दोबारा रिपीट कर दूं, सही है? ठीक, अब देखें, सबसे पहली जो चीज़ है वो हम यहाँ पर वेक्टर के थ्रू जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहला वेक्टर ये है। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए, मैंने इसका नाम दे दिया वन का। अब ये वेक्टर मेरा किस तरह से बना भाई? ये वेक्टर इस तरह से बना कि वन यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड वन यूनिट अप। तो देखिए, पहला जो है वेक्टर मेरा क्या बना, वन यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ वन, लेफ्ट और आर एंड वन यूनिट अप। इसी तरीके से मेरा जो सेकंड वेक्टर बना ये वाला, ठीक है, ये सेकंड वेक्टर मेरा कैसे बनेगा? ये मैं गया टू यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड वन यूनिट अप। तो ये अब जब लेफ्ट होता है तो माइनस में आ गया और फिर ये आ गया। फिर इसी तरीके से मेरा जो थर्ड वेक्टर बना ये वाला वेक्टर, वो कैसे बनेगा? वन टू, टू यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड थ्री यूनिट्स अप। सही है, मैंने इनको इस तरह से इनके तमाम वेक्टर्स को ले लिया, ठीक है। आर पहला ये मेरा हो जाएगा वेक्टर, मैंने ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इनको क्या कर दिया, अब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको ताकि आपको मसला ना हो। मैंने यहाँ पर कर दिया स्वैप। स्वैप करने के बाद मैंने यहाँ पर साइन किसके चेंज किए, चेंज द साइन ऑफ वाई। क्या करूँगा मैं, चेंज द साइन ऑफ वाई। क्लियर हो गई बात? ये सही है। अब आप ये देखें, चेंज द साइन ऑफ वाई, यहाँ पे माइनस वन था प्लस वन हो गया, यहाँ पे माइनस टू था ये हो गया, ये माइनस टू था ये हो गया। क्लियर हो गई बात? तो न्यू जो कोऑर्डिनेट बने, और फिर अच्छा, अब आप करने के बाद आपने क्या करना है, इनको बिल्कुल एज इट इज वेक्टर के थ्रू ही ऐड कर दीजिए, 5, 3, 5, 4 और 7, 4। जी मायरा, अरे समझ में आता है या नहीं आ रहा? नहीं आया तो मुझे बताएं, क्लियर हुई बात या नहीं हुई? क्लियर हुई। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन निकालता हूँ आपको, ठीक है, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। ये डायग्राम है, सही है। अब आप इधर देखिए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि द डायग्राम शोज द ट्राइंगल। अब यहाँ गौर कीजिएगा किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। शेप बी इज मैप्ड, सही है, ऑन टू शेप सी बाय अ रोटेशन। सेंटर आर, सेंटर को किससे शो करते हैं? रोटेशन आर, ठीक है। एंगल कितना गिवन है? 90 डिग्री, और डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है कि ड्रॉ शेप सी ऑन द डायग्राम। सबसे पहले जाकर तो आप एक काम ये करें कि यहां पर सेंटर ऑफ रोटेशन बना लें। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? 8, सही है। पहला सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? 8। यहां पर कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1, 2, 3 और ये 4। अब वन बाय वन सबका लीजिएगा। चले सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूँ, वन की बात करता हूँ, मायरा वन के ऊपर आपने क्या चीज़ ड्राइव करी कि क्या चीज़ जीरो है और क्या चीज़ वन है? नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस यानी कि राइट और लेफ्ट के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि पहला जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ जाएगा? 0, -1 आएगा या नहीं आएगा? जी मायरा, एक कौन सा पॉइंट? सही है, ये वन, ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये वाला पॉइंट। समझ में आया? जी बेटा, हाँ बताए। हाँ सही। 1, 2, 3 और 4,
ये चीजें समझेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मुझे करना क्या है। आप इधर देखिए, अब मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए। इस वाले वेक्टर को जाने के लिए मैंने क्या किया, वन यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, सॉरी वन यूनिट टू द डाउन एंड ठीक है वन यूनिट टू द लेफ्ट। तो इसका मतलब है कि टू के कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो जाएंगे, लेफ्ट पर आ रहा है कितना माइनस वन और डाउन पे कितना है माइनस वन। थ्री के ऊपर आ जाइए, सही है थ्री के ऊपर ये है मेरा वेक्टर। अब थ्री वेक्टर आया कैसे, अब ये यहाँ तक गया यानी कि टू यूनिट्स माइनस टू माइनस टू वन टू थ्री, हाँ वन टू थ्री और फोर, तो ये आ जाएगा माइनस फोर। ठीक है, फिर उसके बाद ये चौथे में भी यही होगा, चौथे में क्या हुआ, चौथे में गया वो कहाँ तक है वन टू माइनस टू वन टू थ्री, सही यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, स्वैप करना है। ठीक है, अब अच्छा मुझे एक बात बताइए कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, स्वैप कर दीजिए, स्वैप करेंगे तो क्या आंसर देगा, माइनस वन और जीरो, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस वन और माइनस वन, ये कितना आ जाएगा माइनस टू और माइनस फोर, फिर ये कितना आ जाएगा माइनस टू और माइनस, यहाँ तक क्लियर, बात क्लियर हुई या नहीं हुई। उसके बाद आप किसका चेंज करेंगे, उसके बाद साइन किसका चेंज करेंगे, वाई का, तो वाई का साइन यहाँ पे तो चेंज हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पर चेंज हो सकता है, ये कितना हो जाएगा, हाँ जी ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस वन और वन, ये कितना हो जाएगा माइनस टू और फोर, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस टू और, सही है। अब इन साइन को प्लॉट करते हैं, ठीक है आइए, पहला क्या है वन माइनस वन, मेरा गलत हो रहा है कुछ, अरे यार मैंने देख, फोर के कोऑर्डिनेट्स गलत है, क्या चीज, फोर के कोऑर्डिनेट्स गलत है, किसके नहीं सही, किसके गलत है नहीं सही जी। अच्छा देखें यहाँ पे कोई गलती आ रही है, दोबारा मैं कोऑर्डिनेट, मैं कोऑर्डिनेट दोबारा रीड कर लूँ, कहीं गलती आ रही है मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर जाना है, यहाँ से तो मैं डायरेक्टली चला गया, ये तो नीचे की तरफ चला गया, डाउन पे चला गया नेगेटिव वाला। अच्छा अब अगर मुझे यहाँ जाना है तो ओहो इस तरह से भी तो जा सकते हैं, वन यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ए होगा ना बेटा, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, वन यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड वन यूनिट डाउन, सही है यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर मैं ये वाला कोऑर्डिनेट लेना चाहूँ तो कितना होगा, एक दो तीन चार और माइनस टू, ये बिल्कुल सही क्या। फिर उसके बाद अगर मैं थर्ड पे लेना चाहूँ तो थर्ड पे क्या हो जाएगा, सही है अभी तो देखें इधर कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल सही है, पेंसिल माइनस टू और हाँ तो प्लॉट करें देखें आपको कैसे पता चलेगा, माइनस वन में आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे डायग्राम पे माइनस वन दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि 100% माइनस में नहीं आएंगे ना, क्या समझे आप 100% अरे माइनस थोड़ी है, आर से वेक्टर के थ्रू करेंगे ना, तो मतलब आर से माइनस, अच्छा सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके इट्स ओके, फिर मैंने फिर वही गलती कर रहा था, सही है बिल्कुल ठीक है। अब और हाँ सवेरे क्लास, हाँ हाँ नहीं सुबह सुबह नहीं है यार, वो गलती हो जाती है। अब देखें अब, हाँ सही है ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है माइनस वन, इससे माइनस वन और जीरो, इसका मतलब क्या होगा, अब एक्स एक्सिस पे माइनस वन गया तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा,
हाँ भाई हेलो हाँ यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ए राइट ये वन हो जाएगा सही है उसके बाद दूसरे में क्या लिखा हुआ है वन यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड वन यूनिट डाउन वन यूनिट लेफ्ट ऑफ ए एंड वन यूनिट अप ये हो गया टू सही है फिर उसके बाद तीसरे पे क्या लिखा हुआ है टू यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ टू यूनिट्स एंड फोर यूनिट्स अप एक दो तीन चार ये इधर आ जाएगा क्लियर हो गई बात ये कौन सा हो जाएगा थर्ड ठीक है फिर उसके बाद टू यूनिट्स एंड थ्री एक दो तीन सही अब ड्रॉ करें जरा कैसे आएगा बहुत देखभाल के करना पड़ेंगे थ्री से टू ज्वाइन होगा हाँ किससे ज्वाइन होगा टू से टू थ्री ज्वाइन होगा टू से थ्री ज्वाइन हो गया थ्री और फोर और फिर फोर से अब आया सही या नहीं आया नहीं ना सही नहीं है हेलो पॉइंट छोड़ दिया ना उस बोली मैं वन के साइन पे कौन कौन है कौन सा पॉइंट छोड़ा एक्सक्यूज मी मिस एक्यूरेट पॉइंट है अब आप जाइए जाकर इसका आंसर भी चेक कर लें तो ज्यादा मेहरबानी है ये है मई जून 06 पेपर 1 जल्दी से जाकर जरा चेक करें क्वेश्चन हां सही है मई जून 06 चेक करें जरा जाकर मई जून 06 P1 है P2 हाँ बेटा P1 है P2 पेपर वन माइक तो खोल खुला बच्चों को पढ़ा रहे हैं ध्यान है मेरी क्या हो गया कौन सी क्लास में कौन सी क्लास में KG में क्वेश्चन नंबर जी बेटा क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है सर क्वेश्चन नंबर 24 24B का पार्ट 1 7.3 7.4 1 मिनट हां क्या आंसर आया 7.3 6.3 7.3 7 ही तो है सही है ना कहां है 7.3 कहां है हां 7.3 सही है 7.4 6.6 6.6 और 6.7 करेक्ट सही है अब मैं ये कोऑर्डिनेट आपको लिख कर दे देता हूँ सही है ये कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 7.3 7.3 7.4 फिर 6.6 फिर 6.6 और फिर 6.7 ये कोऑर्डिनेट है ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया क्लियर है कोई मसला है तो बता सही है अब आगे चलें अब एक और क्वेश्चन निकाल लो चलो
देखें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहला तो इसमें ट्रांसलेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सही है, और ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द डायग्राम द लिखा हुआ है द रोटेशन रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या है रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, क्लॉक वाइज सेंटर 20, ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल डी। अब देखें अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये मैं ऊपर ले आऊँ, ठीक है, ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल डी, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये से क्या हो जाएगी इमेज हो गई, ठीक है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है, डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज हो गए, 90 डिग्री एंगल हो गया, सही है। सेंटर ऑफ रोटेशन कितना लिखा हुआ है इसका, 2.0, सही है, सेंटर ऑफ रोटेशन मेरा इसका कितना लिखा हुआ है, 2.0। अब आए देखें इसमें आपको सॉल्व करना है, सबसे पहली जो चीज़ है वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2.0, हमें 2.0 करना है। तो भाई देखें ये 2.0 ये मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन, सही है। ट्राइंगल ए को करना है तो सबसे पहले अगर आप गौर करें, इसको मैंने अगर 1 का नाम दिया है तो मुझे एक बात ये बताइए, ये वेक्टर है मेरा, तो इस वेक्टर पर कोई एक्स एक्सिस है जी मायरा, इस हाँ नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर क्या देगा, 0.1 देगा, ठीक है, राइट, ठीक है ना। नंबर टू क्या है, ये नंबर टू है, इसमें भी इसमें अब वेक्टर मेरा ये है, अब इस वेक्टर को चेस करने के लिए वो कैसे जाएगा, 2 units टू द राइट ऑफ आर, ठीक है, एंड 1 unit अप, इज इट क्लियर। इसी तरीके से ये थर्ड वेक्टर है, इसको जाने के लिए वो क्या करेगा, 2 units टू द राइट ऑफ आर एंड 2 units अप, हो गया, अब बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। सबसे पहले आप इसको क्या कर दें, स्वैप कर दें, क्या हो जाएगा, 1, 0, 1, 2 और 2 कर दिया। फिर उसके बाद चेंज द साइन ऑफ वाई, किसका साइन चेंज करेंगे, चेंज द साइन ऑफ वाई, जब आपने वाई के साइन को चेंज किया, भाई इस 0 के ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, 1 - 2 सही है, और 2 and -2 सही है। अब ये आकर अब इनको फिर दोबारा मुझे वेक्टर के थ्रू ही सब कुछ ऐड करना है, सही है, ये 1 था, ये 2 था, और ये क्या था। अब आ जाए पहला क्या लिखा हुआ है, 1.0, 1.0 का मतलब क्या है कि वो कहाँ चला गया, राइट पे चला गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है मायरा, सही है। फिर 1.-2 का मतलब क्या हुआ, 1 unit टू द राइट ऑफ, ओ सॉरी, देखें ये गलती अभी हो रही थी, बहुत अच्छी गलती पकड़ी गई, बताइए क्या क्या गलती पकड़ी है, 1 unit टू द राइट, ये इधर आना था, सही है, ये आ गया वहाँ। फिर 1 unit टू द राइट ऑफ ए एंड 2 units डाउन, 1 and 2 डाउन, ये 2 हो गया। अब अगर मैं थर्ड वाले को करूं तो थर्ड वाला कैसे जाएगा, 2 units टू द राइट ऑफ ए एंड 2 units डाउन, आ गया, ठीक है। अब आप इसको मिला लें, मायरा समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, क्लियर हो गई बात या नहीं हुई, फिर दोबारा देख लें, कोई गलती तो नहीं है ना भाई, सीधी सीधी बात है, 90 डिग्री क्या है, क्लॉक वाइज है, जब यहाँ से करेंगे तो ये इधर आएगा, ठीक है। फिर दोबारा देख लें, पहला क्या लिखा हुआ, 1 और 0, 1 और 0 का मतलब क्या होता है, 1 unit टू द राइट ऑफ ए, 0 तो है ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद 1 unit टू द राइट ऑफ ए एंड 2 units डाउन, सही है, फिर 2 units राइट ऑफ ए एंड 2 units डाउन, सही है ना,
टू यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए एंड टू यूनिट्स डाउन, सही है, इसको मिला दिया ये। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ट्राइंगल डी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे बेटा, सही है, ये आ जाएगा, ये आ गए आपका अल्लाह भला करे, ट्राइंगल डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3, 0, सही है, और 3, -2, सही है, और फिर 4, -2, ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब जाके जाइए इसका आंसर चेक करके बताओ, जल्दी से इसका आंसर चेक करके। May, June 9, paper 1, question number 20. जल्दी जल्दी। वाजी है क्या? Sorry? वाजी है, कौन सा है? May, June 9, paper 1, question number 20. एक और क्वेश्चन दूं आपको मैं, अच्छा मैं अब आप मुझे जल्दी से खुद आप लोग एक काम ये करें कि एक एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सॉल्व करके मुझे दिखाइए, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं सॉल्व, सही है, चलें मायरा इसमें रिफ्लेक्ट वाला भी करके दिखाइए और पार्ट ए पार्ट बी दोनों करके दिखाइए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से करके दिखाइए, 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व करके दिखाइए, ओके। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है।
आपने दोनों पार्ट कर लिया? हाँ पार्ट बी है ना। ये आपने मुझे क्या लिख के भेजा है भाई? मैंने कुछ भी नहीं भेजा। ये ए बी सी ये क्या भेजा है? मैंने कुछ भेजा यार जूम है वो तो मैं मार्केट स्क्रीन से कॉपी करके आपको वर्टिसेस भेजूंगी तो ये तो भी ऐसा है। आपने कर लिया सॉल्व कर लिया? हाँ चलें आज सबसे पहला पार्ट तो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है? आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए पहले पार्ट में ये लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्ट करना है ए को इन द लाइन एक्स इज इक्वल टू वन। लेकिन सबसे पहले तो ये क्या लिखा हुआ है कि इन द लाइन एक्स इज इक्वल टू वन क्या है? ये एक्स इज इक्वल टू वन। अब एक्स इज इक्वल टू वन की लाइन कौन सी होगी बेटा? ये ठीक है, क्लियर है? सही है मायरा? अब x is equal to 1। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक दो तीन ये पहला पॉइंट हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 का कितना होगा? 1 2 3 4 5 दो हो गए। फिर तीसरे में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये जॉइन कर, ठीक है भाई? ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट आपके क्या क्या बन रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। पार्ट ए में जो आपके कोऑर्डिनेट बने हैं वो आ रहे हैं, पहला कोऑर्डिनेट आपका बना है 4, 3 सही है, फिर 6, 2 फिर 6, 3 सही है। यहाँ तक क्लियर है? ये तो हो गया सही है ना। अब आए नेक्स्ट पार्ट पे, इसमें क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि रोटेट, ठीक है रोटेट, जरा चेक करती रहिएगा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। रोटेट ट्राइंगल ए 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या एंगल ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट -1/3। आप देखें सबसे पहले तो क्या है -1/3 ये आपका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है राइट। सबसे पहले मैंने इसको नाम दे दिया 1 का। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये सीधा लेटर बन रहा है तो इससे कोऑर्डिनेट क्या बन गया? जी मायरा पहले के कोऑर्डिनेट क्या बने? पहला -1/0 -1/0 फिर दूसरे के कितने हो जाएंगे? -3/0 -1/3 फिर ये अगर इधर जाएगा तो -3 -1 यहाँ तक क्लियर है? ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक, इसके बाद आप क्या करते हैं? स्वैप करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 0, -1 फिर 0, -3 फिर इसको क्या लिखा? -1 और -1 लिख दिया। अब 90 डिग्री क्या है? क्लॉकवाइज है तो साइन किसके चेंज होंगे? वाई एक्सिस के। 0, 1 0, 3 -1/3 यहाँ तक क्लियर है? अब फिर दोबारा इसको ऐड करेंगे किसके? वेक्टर के थ्रू, ठीक है? क्या है कोऑर्डिनेट? क्या है? -1 और 3 पहला क्या लिखा हुआ है? 0, 1 यानी कि एक्स एक्सिस पे तो कुछ है नहीं, एंड वन यूनिट अप तो अप का मतलब क्या हो जाएगा? जहाँ पे ये आर आ रहा है यहाँ पर बन जाएगा, यही आ रहा है मायरा? हेलो हाँ सर यही आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आएगा? इसी की सीध में अब फिर 0 है और 3 यूनिट्स 1, 2, 3 ये आ गया। फिर 1 unit to the left इधर आया and 3 units 1, 2, 3 ये इधर आया, सही है? अब आप मिला रहे हैं इसमें,
जी ये ट्राइंगल है, और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो इससे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, पहला कोऑर्डिनेट आ रहा है इसका आंसर, पहला आंसर आएगा इसका -14, -14, -16, -2/6 और -2/6, ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, अब रोटेशन आपकी पक्की है, कल की क्लास में मैं आपको केस 2 समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कंपास प्रोटेक्टर की जरूरत होगी, थोड़ा सा सफाया, ठीक है, राइट, ओके, तो कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास इसी सेम टाइम पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चलो ओके बेटा, फिर जय वाली रखते हैं। अच्छा एक मिनट रुके हैं, हाँ बेटा कल है ना, कल 11:35 अभी नहीं है एक्स्ट्रा क्लास।